में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सिंधिया शिवराज एक साथ आ चुके हैं, इसके साथ अगर हम लोग बात करें तो कमलनाथ लड़ रहे हैं सर, और यहाँ पर अगर हम लोग आंकड़ों की बात करें तो कांग्रेस का अच्छा यहाँ पर जो है तजुर्बा देखने को मिल रहा है, आंकड़े बता रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार सर कौन कुर्सी ले जाए? चांसेस कांग्रेस के ज़्यादा हैं, क्योंकि बीजेपी से लोग दुखी हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का व्यक्ति हो या गवर्नमेंट सेक्टर का व्यक्ति हो। बीजेपी ने ऐलान कर दिया हम सीएम चेहरा नहीं खड़ा करेंगे, यहाँ पर बीजेपी के स्टार कैंपेनर प्रधानमंत्री जी आएंगे यहाँ पर प्रचार प्रसार करने, शिवराज की कोई इतनी अहमियत नहीं है। बीजेपी की तरफ से पक चुकी है, ना तो सिंधिया का कोई पक्ष सामने आ रहा है ना शिवराज का कोई पक्ष सामने आ रहा है, और यहाँ पर बीजेपी राज्य के नेताओं पर ध्यान नहीं दे पा रही है। अपनी पार्टी में वो जगह वो वर्चस्व बनाने ही नहीं दिया जो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। आप ऐसी हालत गुजरात में यहाँ पर हार्दिक पटेल की देख सकते हैं। अगर राजस्थान की बात करें तो इस वक्त वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर भी कहीं ना कहीं ऐसा ही देखा जा रहा है। देखा जाए ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर जो अटकलें अब तेज हो रही हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में अब उनकी भी वापसी देखने को मिलती है, तो फिलहाल तो यहाँ पर सिंधिया की तरफ से पूरी तरीके से ना है। पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है और 17 नवंबर की बात करें तो मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन क्या शिवराज सिंह चौहान फिर से जो है यहां पर मुख्यमंत्री बन पाएंगे? क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भले ही शिवराज सिंह चौहान के साथ खड़े हैं, लेकिन जनता इस बार जो है कांग्रेस को आगे रख रही है, क्योंकि आप तमाम आंकड़े सर्वे देख रहे हैं, उन सर्वों में लगातार देखा गया कि यहाँ पर कांग्रेस फिर से सरकार बनाने वाली है। क्या कमलनाथ इस बार जो है मुख्यमंत्री के तौर पर देखेंगे? तो क्या शिवराज सिंह ने जो काम किए वो विफल साबित हो जाएंगे? इन तमाम मुद्दों पर हम बात करने के लिए जो है न्यूज़ रूम में पहुंच चुके हैं, अपने समर्थकों से अपने यहाँ पर सहयोगियों से बात करेंगे कि वह क्या सोचते हैं, लेकिन इसके पहले जनता क्या सोचती है पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए। मैं आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सिंधिया शिवराज एक साथ आ चुके हैं, इसके साथ अगर हम लोग बात करें तो कमलनाथ लड़ रहे हैं सर, और यहाँ पर अगर हम लोग आंकड़ों की बात करें तो कांग्रेस का अच्छा यहाँ पर जो है तजुर्बा देखने को मिल रहा है, आंकड़े बता रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार सर कौन कुर्सी ले जाए? चांसेस कांग्रेस के ज़्यादा हैं, क्योंकि बीजेपी से लोग दुखी हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का व्यक्ति हो या गवर्नमेंट सेक्टर का व्यक्ति हो, बीजेपी से दुखी हैं लोग, वो चाहते हैं बदलाव, कुछ चेंजेस, तो इसीलिए कांग्रेस के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन वहाँ है नहीं। सिंधिया ने पहले जो है तोड़ फोड़ करके जिस तरीके से भाजपा पार्टी को आगे रख दिया, शिवराज को फिर से सीएम बना दिया, सिंधिया फिर से कोई खेल कर सकते हैं? सिंधिया बीजेपी में अब क्या खेल करेंगे, अब उनको वापस आने के लिए कांग्रेस कह रही है। जी सिंधिया को सीएम नहीं, अगर वो सीएम फेस होते तो वो पार्टी छोड़ के बाहर न जाते, क्योंकि वो चाह रहे थे कि हमें सीएम कैंडिडेट शो किया जाए, लेकिन वो पार्टी ने उनको नहीं किया, उनको ना करके जो वरिष्ठता के आधार पे कमलनाथ जी को प्रमोट किया, उस बात से नाराज होकर वो पार्टी छोड़। ध्यान क्यों है कांग्रेस का, कोई और चेहरा हो सकता है सीएम के तौर पर कि कमलनाथ अच्छा काम संभाल लेंगे, मध्य प्रदेश संभाल लेंगे? अब उनका कार्यकाल पहले भी रहा है, उसके बाद बीजेपी ने जो मतलब सब किया, यहाँ से वहाँ विधायक गए उनके, तो उनका कार्यकाल से लोग वाकिफ़ हैं पहले से, इसीलिए कमलनाथ के ऊपर लोगों का फोकस ज़्यादा है। एक और सवाल मेरा आपसे रहेगा कि अगर यहाँ पर सिंधिया घर वापसी करते हैं, यानी कि सिंधिया कांग्रेस में अगर आते हैं, तो क्या कांग्रेस अपनाएगी? अब इस बात पे तो मेरा विश्वास उठ चुका है पूरी तरीके से, क्योंकि इस देश के अंदर पॉलिटिशियंस का कोई धर्म, कोई मज़हब, कोई मोटिव नहीं रहा, जिसका जब मन आता है, यहाँ से हमें फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, हम इस पाले में पहुँच गए, यहाँ से हमें फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। यूँ कह सकते हैं कि अब राजनीति में भी बेरोजगारी है। बिल्कुल, जहाँ जिसको प्रॉफिट नज़र आता है वो फॉरेन पार्टी छोड़ करके नई पार्टी ज्वाइन कर लेता है, हमें टिकट नहीं मिला, हम यहाँ पार्टी छोड़ी, अभी होगा इस चुनाव में, अभी हम मध्य प्रदेश में भी देख रहे हैं, और अभी जो केंद्र के चुनाव होंगे 2024 में, उसमें भी हम देखेंगे। कि बहुत बड़ी बात बोली है कि आखिर नेताओं के साथ ऐसा क्यों होता है कि नेताओं को भी पार्टी छोड़ के जाना पड़ता है, हम किस पर विश्वास करें? ये सवाल जनता का हमेशा से रहा है कि अगर हम सिंधिया पर विश्वास कर रहे हैं तो सिंधिया कब नहीं कांग्रेस के हो जाएं, कब भाजपा की हो जाएं, कब किसी और पार्टी के हो जाएं, तो ये बहुत बड़ा सवाल है जो आपने सर उठाया है। मेरा एक मतलब प्रश्न है, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और जो जुडिशियरी है भारत की, उससे कि इन नेताओं के लिए भी एक कानून बनाया जाना चाहिए, एक कानून पास होना चाहिए कि अगर आपने एक पार्टी ज्वाइन कर ली तो उसकी एक समय सीमा होना चाहिए कि इस समय सीमा से पहले आप पार्टी नहीं छोड़ सकते, यदि आप छोड़ते हैं तो अगले 10 वर्षों के लिए आपके ऊपर प्रतिबंध रहेगा कि आप कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते, ये एक कानून पास होना चाहिए। ये बहुत मतलब कई सालों से मैं इस चीज़ को फेस कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि जिसको जब मर्जी आता है इस पार्टी से कूदा उधर पहुँच गया, उधर से कूदा इधर पहुँच गया, इसके ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए, पॉलिटिशियन सुधर जाएंगे।
कहीं ना कहीं जनता को ही घाटा है, क्योंकि अगर मान के चलो कि अगर सिंधिया किसी क्षेत्र की विधायक या सांसद हैं या कोई और नेता क्षेत्र में सांसद या विधायक है, उसको जनता ने जो जिम्मेदारी सौंपी कि आपको ये काम करना है, लेकिन उसका वहाँ पर काम नहीं चलता है, वहाँ पर उसको लोग पसंद नहीं करते हैं, टूट फूट होती है और वो भाजपा या किसी अन्य पार्टी को ज्वाइन करता है, तो ये तय है कि उस क्षेत्र का काम नहीं हो पाएगा क्योंकि उसको उस पार्टी के हिसाब से चलना पड़ेगा। सर, तो क्या आप अगर ये कानून नियम बनता है तो क्या इससे कहीं ना कहीं आपको लगता है गवर्नमेंट में सुधार होगा, सरकार में सुधार? गवर्नमेंट में सारे नेता सुधर जाएंगे जिस दिन ये कानून बन जाएगा कि आपने अगर पार्टी छोड़ी तो आपके ऊपर 10 साल का प्रतिबंध लगेगा, आप कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते, कोई भी नेता इस टाइप की हरकत नहीं करेगा, जिस पार्टी में उसी में बना रहेगा, और बिल्कुल कोई भी हो जाने का ऑप्शन ही खत्म हो जाएगा ना, आप उसके हाथ कट जाएंगे, आप अगर आप गए तो आप 10 साल के लिए बैन, जैसा कि होता है, होना चाहिए कायदे से कि अगर आप कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब देता है तो एक एग्रीमेंट करा देता है कि आप साहब जॉब नहीं छोड़ सकते 5 साल से पहले। मध्य प्रदेश में एक बड़ी समस्या देखी जाती है बेरोजगारी को लेकर, जहां शिवराज जी कहते हैं कि हमने बहुत काम किया, लाडली बहना ये तमाम, आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश का सर स्तर क्या है यहाँ पर बेरोजगारी को लेकर या महंगाई को लेकर, क्या वहाँ ठीक है या सब कुछ चौपट? जो लाडली बहना की योजना आई है वो अभी रिसेंटली 3-4 महीने 6 महीने पहले आई है, वो क्यों आई है? चुनाव नज़दीक हैं, जनता को प्रलोभन देने के लिए, और महिलाओं के ऊपर विश्वास इसलिए ज़्यादा जताया गया कि महिला घर में मोटिवेट कर सकती है कि हाँ भाई हमारे लिए ये किया है गवर्नमेंट ने तो आप वोट बीजेपी को करें, लेकिन सबका एक अपना मत होता है, अपना अधिकार होता है, अपना विवेक होता है, जिसका विवेक जहाँ काम करता है वो वहाँ वोट देता है, ये केवल एक पॉलिटिकल गेम है, पॉलिटिकल गेम है कि हमने महिलाओं को 1250 रुपये या 1000 रुपये प्रति माह लाडली बहना योजना के अंतर्गत दिया है, और वो धीरे धीरे करीब करीब सभी गवर्नमेंट, सभी राज्यों की गवर्नमेंट इस चीज़ को शुरू करने वाली हैं, वो भी करेंगे चुनाव के 2024 के नज़दीक आते आते सब करेंगे शुरू, ये क्योंकि उसका लाभ लेंगे भरपूर। यहाँ पर हम लोगों ने मध्य प्रदेश की बात की, मध्य प्रदेश के चुनाव नज़दीक है, 17 सितंबर को जो है, सॉरी यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, 17 नवंबर की हम लोग बात करें तो यहाँ पर वोटिंग होनी है, तो अब देखेंगे कि जनता इस बार किसको चुनेगी, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का जो मसला है वो कांटे का होने वाला है। हालांकि यहाँ पर जो सर्वे आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को बता रहे हैं कांग्रेस इस बार बढ़ोतरी करने वाली है। हमारे साथ सर्वे मौजूद, सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम फराज है। सर फराज, देखा आपने इस रिपोर्ट को, इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की जमीनी स्तर पर क्या काम किए, आपको पता लग गया होगा कि शिवराज सिंह चौहान ने जो वादे किए थे उसमें कितने सही साबित हुए। कहा तो ये भी जाता है कि मध्य प्रदेश आज भी जो है उत्तर प्रदेश से 20 साल पीछे है और दिल्ली से 30 साल, तो क्या आपको लगता है कि शिवराज सिंह चौहान अपनी इस बार खीर पका पाएंगे? हमारे साथ दौलत मौजूद है, दौलत कैसे देखते हैं आप? सिंधिया सपोर्ट में है, सिंधिया समर्थन कर रहे हैं, पार्टी का हिस्सा है, क्या सिंधिया इस बार शिवराज सिंह चौहान को फिर से कुर्सी दिला पाएंगे? बिल्कुल, यहाँ पर सिंधिया जो है पार्टी के समर्थन में तो हैं लेकिन शिवराज के समर्थन में नहीं है, क्योंकि यहाँ लड़ाई जो है अभी खुलकर तो सामने नहीं आई है, लेकिन वैचारिक लड़ाई जो है कुर्सी की है कि कुर्सी यहाँ पर सिंधिया को भी चाहिए, शिवराज को भी चाहिए, लेकिन अगर शिवराज को कुर्सी नहीं मिलती है, जिस तरीके से बीजेपी ने ऐलान कर दिया हम सीएम चेहरा नहीं खड़ा करेंगे, यहाँ पर बीजेपी के स्टार कैंपेनर प्रधानमंत्री जी आएंगे यहाँ पर प्रचार प्रसार करने, शिवराज की कोई इतनी अहमियत नहीं है, तो लगातार वो भी यहाँ पर जो है बीजेपी का साथ छोड़ने, लगातार इस तरीके से बयान दे रहे हैं कि मैं चला जाऊँगा तो याद करोगे ये सब, तो देखा जाए तो खिचड़ी जो है पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में बीजेपी की तरफ से पक चुकी है, ना तो सिंधिया का कोई पक्ष सामने आ रहा है, ना शिवराज का कोई पक्ष सामने आ रहा है, और यहाँ पर बीजेपी राज्य के नेताओं पर ध्यान नहीं दे पा रही है। अच्छा, यहाँ साफ तौर पर देखा गया, लेकिन भाजपा पार्टी की किरकिरी मध्य प्रदेश में क्यों? लगातार 3 टर्म 4 टर्म से जो है शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन जनता क्यों नकार रही है? यही सवाल मेरा यहाँ पर जो है प्रज्ञा से रहेगा कि वह क्या सोचती है मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर, क्यों सिंधिया इस बार फीके पड़ गए, पहले टूट फूट की बीजेपी पार्टी में जो है ज्वाइन किए, शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन यहां पर देखा जाए तो सिंधिया का ग्राफ डाउन हो गया, इसके क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, यहां पर अगर मैं बात करूं ज्योतिरादित्य सिंधिया की, तो इस वक्त बीजेपी में जो उनकी एक जगह है वो कमजोर, और कह सकते हैं उनका वर्चस्व कम इसलिए होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी उन नेताओं को अपनी पार्टी में वो जगह, वो वर्चस्व बनाने ही नहीं दिया जो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। आप ऐसी हालत गुजरात में यहां पर हार्दिक पटेल की देख सकते हैं। अगर राजस्थान की बात करें तो इस वक्त सुंदरा राज्य सिंधिया को लेकर भी कहीं ना कहीं ऐसा ही देखा जा रहा है, और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भी यही है। लेकिन इसकी और दूसरी वजह यह भी है कि यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के कद को इसलिए भी नहीं बढ़ने दिया जा रहा है क्योंकि सीधे सीधे वो शिवराज सिंह चौहान का पत्ता साफ कर सकते हैं, क्योंकि लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर के उनके कैंप के जितने भी यहां पर विधायक है, समर्थक है, वो यही कहते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को आगे किया जाए। लेकिन बीजेपी भी इस चीज को बेहतर ढंग से समझती है कि बीजेपी से अगर कोई ऐसा नेता जिसे मुख्यमंत्री पद के लिए आगे किया जा सकता है
वो जाहिर तौर पर शिवराज सिंह चौहान है, क्योंकि एक्सपीरियंस उन्हें ज्यादा है, जनता का समर्थन उनके पास ज्यादा है और कहीं ना कहीं उनके पास विधायकों का समर्थन भी ज्यादा है। कितनी सच्चाई है कि जो नेता अपनी पार्टी को छोड़कर जिस पार्टी में काम कर रहा है वो किसी अन्य पार्टी में पहुंचता है तो उसको जो है उतना सम्मान नहीं मिलता जितनी सम्मान की उम्मीद की जाती है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर यही कहा गया था कि उनका बड़ा सपना रहा है मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना, लेकिन जिस तरीके से उनके साथ जो है यहाँ पर काम किया जा रहा है वो आपकी तस्वीर आप सभी के सामने। हमारे साथ यहाँ पर प्रांशु मौजूद हैं, उनसे सवाल लेंगे कि क्या अब ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो सपना रहा है मुख्यमंत्री बनने का वो टूट जाएगा या फिर अभी भी वक्त है कांग्रेस में ज्वाइन करने के लिए। देखिए, फिलहाल देखा जाए ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर जो अटकलें अब तेज हो रही हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में अब उनकी भी वापसी देखने को मिलती है, तो फिलहाल तो यहाँ पर सिंधिया की तरफ से पूरी तरीके से ना है। सिंधिया का साफ तौर पर कहना यही रहा है कि जो उनके समर्थक हैं जो अब पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, जब उनसे सवाल पूछा गया तो उनका कहना यही रहा कि ईमानदार जो उनके विधायक हैं उनको उन्होंने हमेशा ही टिकट दिलाया है और आगे भी यही उनका रूल रहेगा, और बीजेपी में देखा जाए तो मान सम्मान और काम के हिसाब से यहाँ पर टिकट दिया जाता है, तो इस लिहाज से पार्टी हाईकमान यहाँ पर फैसला ले रहे हैं। तो सिंधिया की इस बात से साफ तौर पर जाहिर होता है कि सिंधिया अभी भी इस पार्टी में बने रहना चाहते हैं, क्योंकि उनका कद और पद लगातार बढ़ता जा रहा है। आशंकाएं तो ये तक जताई गई हैं ऋतिक कि कहीं ना कहीं ये 5 साल के बाद अब आने वाले अगले 5 साल में जब चुनाव होंगे तो कहीं ना कहीं सिंधिया को उस वक्त आगे किया जा सकता है। यहाँ पर नाजमीन मौजूद, नाजमीन से सवाल लेंगे यहाँ पर कि कमलनाथ जिस तरीके से यहाँ पर दावे ठोक रहे हैं, क्या सच में कमलनाथ इस बार जो है सरकार बना लेंगे, क्योंकि लगातार देखा जाए तो कमलनाथ ये कह रहे हैं कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, सिंधिया जैसे नेताओं की हमें कोई जरूरत नहीं है, और सवाल जब पूछा जाता है कि क्या सिंधिया घर वापसी करेंगे तो क्या आप अपनाएंगे, तो कहते हैं कि हाँ ठीक है देख लेंगे। आपको लगता है कि यहाँ पर अगर सिंधिया घर वापसी करते हैं चुनाव के पहले, क्योंकि 17 नवंबर को चुनाव है, उसके पहले देखा जाए तो सिंधिया का जो सपना है सीएम बनने का वो पूरा नहीं हो पा रहा है, अगर घर वापसी करते तो कमलनाथ को ताकत मिलेगी? देखिए, कमलनाथ को ताकत मिलने की बात यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में एक बड़ा चेहरा है, ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में क्यों शामिल हुए और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें क्यों स्वीकारा, यहाँ पर यही वजह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर अच्छे खासे वोट दिलवा सकते हैं और वो वोट के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आई। लेकिन क्या देखा जाता है, यहाँ पर 4th लिस्ट भी जारी कर दी जाती है, शिवराज सिंह चौहान को बुधनी से भी टिकट दे दिया जाता है लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट नहीं मिलता। वो लगातार इस बात को लेकर देखे जा रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि मुझे भी टिकट मिलनी चाहिए। अब उनकी बुआ जब सीट छोड़ती है तो कयास शुरू हो जाते हैं कि टिकट मिल सकता है, उससे पहले तो नहीं देखा गया था। तो ये भारतीय जनता पार्टी का एक षड्यंत्र दिखाई दे रहा है कि टिकट तो देंगे लेकिन किसी वजह से देंगे। वहीं कांग्रेस में वापसी की बात करें तो कमलनाथ की ताकत कम नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर अगर सिंधिया अगर आएंगे तो सिंधिया तो सीएम चेहरे के लिए मांग करते हुए दिखाई देंगे, तो यहाँ पर 2 सीएम की बात सामने आ जाएगी। कमलनाथ लड़ाई करेंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी लड़ाई करेंगे, तो कांग्रेस की बात करें तो राजस्थान में पहले से वो इस लड़ाई को झेल रही है तो मध्य प्रदेश में क्यों झेलना चाहिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया आते हैं वोट बढ़ेगा लेकिन कमलनाथ के लिए मुश्किलें जरूर बढ़ेंगी। अगर यहाँ पर देखा जाए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर फिर से यहाँ पर घर वापसी करते हैं तो ये तय है कि यहाँ पर कमलनाथ के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। हालांकि यहाँ पर देखा जाए जो आंकड़े और सर्वे आ रहे हैं उसमें यही देखा जा रहा है कि इस बार मध्य प्रदेश में जो है कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। साफ तौर पर हम लोग अगर यहाँ पर बात करें तो प्रियंका गांधी पहुँची, राहुल गांधी पहुँची और तमाम नेताओं ने अपनी रैलियों के माध्यम से ये बताया जनता को क्या सुविधाएं उनको दी जाएंगी, क्या मैनिफेस्टो तैयार किया गया। लेकिन दर्शकों, आपको क्या कुछ लगता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।